नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेश श्रीवास्तव मुंबई इंडिया से बोल रहा हूँ। हाउ टू गो बियॉन्ड द माइंड, मन के पार कैसे निकले। देखिए, जब तक आप मन के पार निकलना नहीं सीखोगे ना, तब तक आपकी मुश्किलें कभी ख़त्म नहीं होने वाली, याद रखना आप। क्योंकि मन क्या करेगा, मन आपको पूरा जीवन अतीत और भविष्य की सुखद और दुखद कल्पनाएं कर करके उलझाता रहेगा, हमेशा उलझाए रखेगा। मन का मतलब ही है माया, माया का मतलब है धोखा, धोखे का मतलब है जो कभी था ही नहीं। माया मन का एक ऐसा फैला हुआ भ्रम जाल है जिसमें जिंदगी भर आप उलझे रहते हो, जैसे मकड़ी के जाले में कोई पाखी फंस जाए और जीवन भर उसी में तड़पड़ाता और फड़फड़ाता रहे, तब तक जब तक उसका प्राणांत ना हो जाए। तो मन के बाहर निकलना सीखो आप। मन तो क्या है, जीवन भर तमाम सवाल खड़े करता रहेगा, फसाद खड़ा करता रहेगा, भविष्य में आने वाली ऐसी ऐसी मुसीबतों की कल्पना करेगा जो अभी आई नहीं है और जो शायद कभी ना आए। अक्सर देखा होगा ना आपने, आप अपने अतीत को ज़रा देखना तो न जाने किन किन घटनाओं की आपने कल्पना करी थी कि जब 10वीं का एग्ज़ाम होगा तो न जाने क्या होगा, अगर जॉब नहीं लगी तो क्या होगा, अगर शादी नहीं हुई तो क्या होगा, जब किसी की मृत्यु हो जाएगी तो क्या होगा, और सभी घटनाएं एक एक करके घट गई। और क्या हुआ, जितना आप डर रहे थे उतना डरने की ज़रूरत ही नहीं थी, घटनाएं तो घटती हैं, आते हैं दिन और जाते हैं दिन। अच्छा वक्त आता है गुजर जाता है, बुरा वक्त आता है गुजर जाता है, लेकिन क्या होता है, आप कल्पनाओं में उलझे रहते हो, विचारों में उलझे रहते हो। तो आपको इससे बाहर निकलना पड़ेगा, आपको ये समझ के साथ जान लेना पड़ेगा कि मैं मन से बाहर निकल सकता हूँ और आप निकल सकते हो। आप क्या हो, आप एक शुद्ध चेतना हो, कॉन्शियसनेस हो आप वो चेतना हो जिसकी वजह से आपका मन एक्टिवेट है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी एक्टिवेट है। आपको उस चेतना के आयाम में स्थिर होना पड़ेगा और उसमें स्थिर होना बड़ा आसान है। आप बस सिर्फ अपने आप से इतना ही बोलो ना एक बार कि आई एम द कॉन्शियसनेस, मैं मेरी चेतना हूँ, मैं मेरा मन नहीं, मैं मेरा शरीर नहीं, मैं मेरी चेतना हूँ, आई एम द कॉन्शियसनेस, आई एम द कॉन्शियसनेस। बस आंखें बंद करके सिर्फ इतना बोलो तो आप अपनी रूह के करीब आ जाते हो, आप अपनी आत्मा के करीब आ जाते हो, आप अपने सेल्फ में स्टेबल होने लगते हो। एनलाइटनमेंट का यही तो मतलब है ना, कि अपने आत्म में स्थिर हो जाना, अपने सेल्फ में स्टेबलाइज हो जाना, इसी को तो बोलते हैं ना सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन। सेल्फ रियलाइजेशन का मतलब ही यही है कि आप ये समझ के साथ जान लो कि आप सेल्फ हो, सेल्फ यानी कि आत्मा, यानी कि चेतना, यानी कि कॉन्शियसनेस। आप इसकी जितनी प्रैक्टिस करोगे, आप मन से चुटकियां बजाते बाहर निकल आओगे। मन क्या करता है, आपको उलझाए रखता है, उलझाए रखता है, बड़े बड़े जाले निर्मित करता है, बड़े बड़े कैदखाने बनाकर आपके सामने खड़े कर देता है, और आपको लगता है कि मैं मेरे माइंड से बाहर नहीं निकल सकता। निकल सकते हो आप, बहुत सिंपल है। आप अपने आप को बोलो तो सही, समझा कर कि मैं मेरी चेतना हूँ, आई एम द कॉन्शियसनेस, मेरी वजह से मेरे मन का वजूद, मेरी वजह से मेरे शरीर का फैलाव, मेरी वजह से मेरा संसार निर्मित होता है, मेरी वजह से मेरा भूत और मेरा भविष्य, मैं ये सब नहीं हूँ, मैं क्या हूँ, मैं शुद्ध चेतना। आप अपनी चेतना में लीन रहो, तल्लीन रहो, मगन रहो, गुनगुनाओ, मस्ती में डूबे रहोगे आप, जिसमें न अतीत का बोझ और न भविष्य की चिंता, ठीक वर्तमान के पलों में जीना सीख जाओगे आप। और अगर आपने वर्तमान में जीना सीख लिया तो समझो आपने अपनी चेतना में जीना सीख लिया। चेतना में जीने का मतलब ही है वर्तमान में जीना, वर्तमान में जीने का मतलब ही है कि आप अपनी कॉन्शियसनेस के पहले पायदान पर खड़े हो और सीढ़ियाँ चढ़ते चले जाओगे, जहाँ से आप अपनी हायर लेवल की कॉन्शियसनेस को देख सकोगे, जहाँ से आप ये देख सकोगे कि इस दुनिया में जो भी चीज़ है उसमें मेरा ही वजूद है, सब तरफ मैं ही मैं फैला हुआ हूँ। आपकी चेतना का अनंत विस्तार है, लेकिन उसे आप तब देख पाओगे जब आप वर्तमान में जीना सीखो, जब आप मन के दायरों से बाहर निकलो। आपकी सारी चिंताएं, आपके सारे दुख, आपकी सारी पीड़ाएं ठीक इसी समय खत्म हो सकते हैं, अगर आप चाहो तब। लेकिन आपका मन आपको ये सब करने से रोकेगा और आपको अपने मन की सुनना नहीं है,
और जिस दिन आप अपने मन की सुनना बंद कर दोगे, आपका मन आपको बांधना, पकड़ना और चिल्लाना बंद कर देगा। आपका मन भी खामोश हो जाएगा, क्योंकि मन को पता चल जाएगा ये तो मेरी बात सुनते ही नहीं। इसकी प्रैक्टिस करके देखो आप, आई एम द कॉन्शियसनेस, बस इतनी तो कहना और फील करना और आँखें बंद करनी है। अब देखो तुरंत तत्क्षण मन खामोश हो जाएगा। सत्य को जानना बेहद आसान है, बशर्ते तब जब आप जानना चाहो, जब आपकी रुचि हो, जब आप सच्चे दिल से इंटरेस्ट लो, तो ये सब संभव हो सकता है। असंभव कुछ भी नहीं। कोई ज़रूरत नहीं हिमालय पर जाकर तपस्या करो आप, कोई ज़रूरत नहीं वेद पुराण उपनिषद और बड़े बड़े शास्त्र कंठस्थ करो आप, कोई ज़रूरत नहीं। बस इतना ही जानना है कि मैं चेतना हूँ। आप मुझे इतने प्यार से सुनते हो, उन सब के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरे ऑडियो पसंद आते हो तो आप मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, थम्स अप का बटन दबाकर मेरे ऑडियो लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।